बहुत ही खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, अपने नगर का नाम रोशन करके। मेरे 97.8% बनी हैं और मैं इसका श्रेय अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को, विद्यालय को और दोस्तों को देना चाहूँगा। क्या बनना चाहता है? आगे जाकर मैं सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। कैसे पढ़ाई की आपने, कितने घंटे तक आपने ये मेहनत की और क्या आगे आने वाले अभी जो छोटे भाई हैं, एक तरह से जो अन्य छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना? मैंने शुरुआत से ही रेगुलर पढ़ाई की है, रोज 3 से 4 घंटे और कोचिंग भी की है, प्रैक्टिस की, रिविजन की और लास्ट में पेपर परीक्षा के 1-2 महीने पहले से 8-9 घंटे पढ़ाई की है और मॉडल पेपर यूट्यूब का सहारा लिया है और अनसॉल्व वगैरह इन सब से अध्ययन किया है। फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है, फैमिली सपोर्ट किस तरह मिला? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है और मेरे भाई टीचर हैं और उन्होंने मतलब जो भी हेल्प हो सकती है, किताबें और जितने मतलब रिसोर्स है यूट्यूब वगैरह सब मतलब बहुत हेल्प की है उन्होंने। और माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं वो, और मेरे दोनों भाई टीचर हैं गवर्नमेंट। माता जी हाउस वाइफ हैं और बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हैं। सब हिंदुस्तान के जरिए पूरे प्रदेश के बच्चों से क्या कहना चाहती हैं? यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए और यदि कभी असफलता मिले तो कभी हार मत मानिए, लगे रहिए, क्योंकि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और लगातार मेहनत करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से परिणाम अच्छा आएगा। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ चपरा है और मैं इस साल में मैंने 12th का बोर्ड दिया है। मेरी इसमें 97.8% बनी है और पूरी यूपी में पहला स्थान आया है और मैंने लगभग साल भर मतलब किया है रिवीजन और प्रैक्टिस की है और पूरे साल भर पढ़ा है और लास्ट में 7-8 घंटे रोज़ पढ़ाई की है और मैं इसका श्रेय अपने परिवार को, अपने विद्यालय को और अपने सरस्वती विद्यानंदन इंटर कॉलेज चरखारी और अपने मित्रों को देना चाहूँगा। और मैं आगे चलकर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ और मैं हर विद्यार्थी से, अपने जूनियर्स से यही कहूँगा कि अपनी मेहनत में लगे रहिए और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस कीजिए और जो है यूट्यूब का ही मैंने यूज किया है तो जितनी भी रिसोर्सेज हो सके उन सब का यूज करके मेहनत कीजिए और रोज़ पढ़ाई कीजिए।